दीन को मानने का मतलब क्या है
कि अल्लाह के हुक्म को मानना, सिर्फ अल्लाह को मानना, ये कह देना कि अल्लाह एक है, वो मेरा माबूद है, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, तो ये कलमा पढ़ना काफी नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ दिया, मौला मान लिया, तो ये मानना काफी नहीं है, बल्कि उनके हुक्म को मानना भी हमारे लिए जरूरी है, उनकी इत्तिबा, उनकी पैरवी हमारे लिए जरूरी है। अब मिसाल के तौर पर नमाज, फुरूए दीन में जो पहली चीज है वो क्या है? नमाज। और नमाज की शान क्या है? वही कुबिलत कुबिला मा सिवाहा, कि अगर नमाज कबूल हो गई तो इसके अलावा जो दूसरे अमाल है वो भी कबूल हो जाएंगे। व इन रुद्दत रुद्द मा सिवाहा, और अगर नमाज रद्द हो गई तो बाकी अमाल भी रद्द कर दिए जाएंगे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि तमाम अमाल की कबूलियत का दारोमदार नमाज के ऊपर है। अगर नमाज एक्सेप्ट है तो सारे अमाल कबूल, और अगर नमाज रद्द हो गई तो सारे के सारे अमाल रद्द हो जाएंगे। तो पता ही चला कि सारे अमाल की कबूलियत की जो कुंजी है, जो की है, वो क्या है? नमाज है। तो जब नमाज सारे अमाल की कबूलियत के लिए जरूरी है, तो क्या कोई ऐसी चीज भी है कि जो नमाज की कबूलियत के लिए जरूरी हो? इमाम शाफई ने कहा, ए अहले बैत रसूल, आपकी इससे बड़ी और शान क्या होगी कि जिस नमाज में आप पे दुरूद न पढ़ा जाए वो नमाज कबूल नहीं होती। तो मालूम यह हुआ कि तमाम आमाल की कबूलियत के लिए नमाज का कबूल होना जरूरी है, और नमाज के कबूल के होने के लिए अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर हमको दीन लेना है, हमको शरीयत लेना है, कहां से लेंगे? हम रसूलुल्लाह से लेंगे। रसूलुल्लाह के बाद जिन्हें रसूलुल्लाह ने अपना वसी बनाया है, अपना जानशीन बनाया है, बताया है, अल्लाह ने बनाया है, रसूलुल्लाह ने बताया, उनसे हम दीन को लेंगे ना। अब यहां तक बात आ गई है तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि देखिए, पैगंबर की हदीस है कि जब इंसान कहीं सफर पे जाए और वापस पलट के आए तो ये मुस्तहब है, रसूलुल्लाह की सुन्नत भी है, सीरत भी है। तो क्या है कि वहां से कुछ तोहफे लेके आए, आप अपने घर वापस आए, बच्चों के लिए कुछ तोहफा लेके आए। और एक बात यहां बीच में आ गई है, अगर से मौजूद नहीं है, कि हदीस में ये भी है कि जब आप घर में आए और अगर आपके बेटा भी है और बेटी भी है तो पहले तोहफा किसको दें? बेटी को दें। लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरत का मकाम नहीं है, लड़की को बस समझते हैं, लेकिन इस्लाम क्या बता रहा है कि जब घर में आओ तो पहले जो चीज लेके आए हो, तोहफा लेके आए हो, गिफ्ट लेके आए हो, पहले बेटी को, तो उसके बाद तो अब रसूलुल्लाह ने क्या कहा कि जब सफर से वापस आओ तो तोहफा लेके आओ। तोहफा देने से, एक दूसरे को तोहफा लेने और देने से क्या होता है? मोहब्बतों में इजाफा होता है। तो पैगंबर ने यह बताया कि सफर पे जब जाओ, वापस आओ तो कुछ तोहफा लेकर आओ। अब रसूलुल्लाह ने एक सफर किया, पैगंबर ने एक सफर किया, एक जर्नी थी उनकी, जो सफर बेमिसाल था, लाजवाब था, ऐसा कोई सफर किसी का नहीं होता, किसी नबी किसी रसूल का ऐसा सफर नहीं हुआ, किसी इंसान का ऐसा सफर नहीं हुआ जैसे रसूलुल्लाह का हुआ। कैसे? सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक और पाकीज़ा है वो खुदा जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। अब मैं आगे की बातें छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे मेराज नहीं पड़ रही, मुझे अपने मतलब की बात नहीं करनी। तो रसूलुल्लाह गए सफर में, गए तो सफर कैसा था? बेमिसाल लाजवाब सफर।
कि सफर पर गए, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, सातवा आसमान बैतुल मामूर, और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, फिर अल्लाह सुभान व तआला से गुफ्तगू, ये सब कुछ हुआ और उसके बाद नबी वापस आ गए। नहीं, उससे पहले बैतुल मुकद्दस में गए, वहां अंबिया को नमाज पढ़ाई, सारे नबियों से पैगंबर की मुलाकात हुई। इतना सारा जो टाइम गुजरा, कितना वक्त लगा, वक्त कितना लगा, तो कहा कि जंजीरे दर हिलती रही, दरवाजे में जो साकर होती है साकर, तो वो दर का जो जंजीरे दर थी, दरवाजे की जंजीर, वो हिलती रही। वजू का पानी बहता रहा, बिस्तर की गर्मी बाकी रही, नबी गए भी और आ भी गए। अब कोई कहे कि साहब कैसे आ गए, ये कैसी बातें कर रहे हो, हवा में उड़ा रहे। नहीं, हवा में उड़ाने वाली बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये नबी ने कहीं नहीं कहा कि मैं गया, अल्लाह ने कहा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाको पाकीजा है वो खुदा जो ले गया अपने बंदे को। यानी यहां पर मालूम हुआ कि कमाले मुस्तफा की बात नहीं है बल्कि कुदरत खुदा की बात है। अब अगर कोई इनकार करे कि इम्पॉसिबल है, तो वो नबी की मेराज का इनकार नहीं कर रहा है बल्कि अल्लाह की कुदरत का इनकार। क्या अल्लाह कादिर नहीं है इस बात के ऊपर? बहरहाल मैंने कहा मुझे मेराज नहीं पड़ गई है, तो अब खैर गए। अब वो जिब्रील जो साथ में थे, हजरत जिब्रील चलते रहे चलते रहे, एक मकाम आया, उसे कहते सिदरतुल मुंतहा, वहां जाने के बाद ठहर गए। रसूलुल्लाह ने कहा चलो साथ में, कहा नहीं अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता, अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे बालों पर चल जाएंगे। ये वो जगह है, इससे आगे आज तक ना कोई नबी गया है, ना कोई वसी गया है, ना कोई मलक गया है, बस याद की खास बात। रसूलुल्लाह गए, अब वो जो वहां पर गुफ्तगू हुई सब हो गई। अब जब वापस आए, बहुत तवज्जो चाहता हूं मसला, अब पैगंबर वापस आए, मेराज का सफर कंप्लीट हो गया, नबी। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके यहां कोई मेहमान आता है तो आप भी कोशिश करते हैं कि भाई जाते टाइम कोई उसको गिफ्ट दे दिया जाए, आपके यहां की कोई मसलन बकोगा की डीसी बहुत मशहूर है, कुछ डीसी दे दी बकोगा की, कोई ये लेके चले जाओ वहां, जाओ तो कम से कम किसी को देना, तो यहां बकोगा से आया तो वहां से मुझे ना दीजिएगा। सलावत मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। कोई इंसान भाई देता है कोई चीज है ये सफर में, यहां की यहां खास चीज लेके जाओ, तो जो मेजबान होता है वो भी देता है। और रसूलुल्लाह ने क्या कहा, जब सफर से वापस आओ तो कुछ तोहफा लेके आओ, गिफ्ट लेके आओ, घर वालों के लिए, नेबर्स के लिए, दोस्तों के लिए लेके आओ, मोहब्बत बढ़ती है। तो हे मेरे कायनात के रसूल, तेरी शान तो ये है कि अगर एक मां तेरे पास आके ये कहे कि पैगंबर मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है, आप इसे कहिए मीठा कम खाया करें, तो आप कहते हैं कल आना, और जब वो कल आती है फिर उसके बाद आप कहते हैं बेटा मीठा कम खाया करो, वो कहती है या रसूलुल्लाह ये बात तो आप कल भी कह सकते थे, इसके लिए मुझे दोबारा बुलाने की क्या जरूरत थी। पैगंबर ने फरमाया क्योंकि उस वक्त मैं खुद मीठा खा के बैठा था, जब मैं खुद मीठा खाए बैठा हुआ था उस जबान से कहते बच्चे से कहता मीठा कम खाया करो। इसका मतलब क्या, पहले अमल करो उसके बाद दूसरे को नसीहत करो। तो पैगंबर आपका तरीका यह है कि पहले आप अमल करते हैं, तो आप जब और आपने सबसे कहा कि सफर से आओ तोहफा लेके आओ, तो आप जब गए वहां सफर पर तो आप कुछ तोहफा लेकर आए। पैगंबर ने कहा तोहफा तो लेकर आया हूं, गिफ्ट लेके आया हूं, लेकिन एक बात याद रख, अगर मैं गिफ्ट कोई ऐसा लाता जो आने के बाद मक्के के मुसलमानों को दे देता, घर वालों को दे देता, तो होता क्या कि जो बाद में आने वाले मुसलमान थे वो ये कहते रसूलुल्लाह गए तो थे मेराज पर, लेकिन जो गिफ्ट लेकर आए वो सिर्फ उस जमाने के लोगों के लिए लेकर आए, हम तो खाली हाथ रह गए, हमें तो कुछ मिला नहीं।
लिहाजा पैगंबर ऐसा गिफ्ट लेकर आए कि उस जमाने के लोगों के लिए भी हो, बाद के लोगों के लिए भी हो, कयामत तक के लिए भी हो, मक्के वालों के लिए भी हो, मदीने वालों के लिए भी हो, इंडिया वालों के लिए भी हो, पाकिस्तान वालों के लिए भी हो, अफ्रीका वालों के लिए भी हो, यूरोप वालों के सबके लिए का कौन सा गिफ्ट है? घर घर कैसे बांटेंगे? नबी ने कहा हाँ मैं गिफ्ट लेकर आ रहा हूं और इतना कीमती गिफ्ट लेकर आ रहा हूं कि उससे अच्छा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। क्या है? का देखो मेरे परवरदिगार ने मुझे शरफ ये बख्शा है, मुझे मेराज की मंजिलता की जो किसी नबी को मयसर नहीं हुआ वो मकाम जो मुझे मिला है, लिहाजा मैं अपनी उम्मत के लिए वो गिफ्ट लेकर आया हूं कि जो किसी और उम्मत के लिए फख्र का सबब बने। का वो क्या है? अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। तुम्हें जब मेरी मेराज याद आए कि अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा मकाम अता किया तो मैं तुम्हारे लिए एक मौका दे रहा हूं, पांच पांच मर्तबा एक दिन के अंदर तुम मेराज की मंजिल पर जा सकते हो। नमाज के लिए खड़े हो जाओ। अब ये नमाज नहीं है बल्कि ये क्या है? ये मेराज है। इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुहम्मद वाल मुहम्मद, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से कलाम करूं, अपने रब से गुफ्तगू करूं, अपने रब से बात करूं, तो मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूं। और जब ये मेरा जी चाहता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान की तिलावत करने लगता हूं। अब आप देखिए थोड़ा सा अगर आप मेरे करीब है तो मैं आपसे माफी चंदन में कि आप प्रैक्टिकली देखिए, आपने नमाज शुरू की, नमाज में एक सूरा है जो सबके लिए लाजमी है, कंपल्सरी है, जिसके बगैर नमाज नहीं होगी, सूरह अल-हम्द, ला सलाता इल्ला लिफातिहतिल किताब। सूरह हम्द के अलावा के बगैर कोई नमाज नहीं होती। चार रकत की नमाज में भी कम से कम दो रकत तो पढ़ना वाजिब है। आपने सूरह अल-हम्द शुरू किया, क्या कहा? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تمام تعریفیں ہیں اس خدا کے لیے جو عالمین کا رب ہے، یونیورس کا رب۔ اچھا وہ کون ہے؟ الحمد لله رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس خدا کے لیے، یعنی جو بات ہو رہی ہے جس کی بات کر رہے ہیں وہ دور ہے، اس خدا کے لیے تمام تعریفیں۔ کون سا خدا؟ اور رحمان الرحیم، वो रहमान भी है और रहीम भी है। मालिक यौम दीन, वो डे ऑफ जजमेंट का मास्टर है, मालिक है कयामत के दिन का। यहां तक बात हुई, यहां तक बात हो गई गायब में। अब क्या कहा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये मेरे परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बात हुई थी वो आगे बढ़े तू, यानी इसका मतलब यह कि अब बंदा इतना करीब हो गया अल्लाह सुभानहू व तआला से कि डायरेक्ट बात हो रही है, तेरी मदद करते तुझसे ही मदद चाहते। तो इज़ान मुस्लिम, ये मोमिन के लिए नमाज जो है, जाहिर सी बात है कि कोई भी मोमिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो खास तौर से जो मौला हुसैन का चाहने वाला हो, मातमदार हो, रोने वाला हो, इमाम हुसैन की अजमत को जानने वाला हो, कि वो नमाज ना पढ़े। लेकिन नमाज पढ़ना एक चीज है और इस ख्याल के साथ नमाज पढ़ना कि मैं कितनी बड़ी इबादत को अंजाम देने के लिए जा रहा हूं, कितना बड़ा काम करने के लिए जा रहा हूं, कितना बड़ा शरफ है, यानी मैं बोझ समझ के नमाज को नहीं बल्कि शरफ समझ कर, ये मेरे लिए अल्लाह की ब्लेसिंग है कि मुझे नमाज पढ़ने का मौका मिला है, ये समझने के बाद इंसान जब मुसल्ले पर खड़ा हो तो फिर नमाज की जो कैफियत होती है अलग होती है, फिर नमाज मेराज बन जाती है। नमाज नमाज नहीं रहती बल्कि मेराज बन जाती है। अल्लाह मोहतरम, थोड़ा सा मैं आपका वक्त देना चाहता हूं। एक आलिम ने एक्सप्लेन किया अपने अल्फाज के अंदर, वो मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूं कि अगर आप नमाज को थोड़ा इस अंदाज से देखें, नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होगा, क्यों खड़े हुए हो,
नमाज पढ़ने के लिए। कौन सी नमाज है फरमा? किसके लिए? अल्लाह के लिए। कौन बता दिया? अब उसके बाद अल्लाहु अकबर, तकबीरतुल इहराम, नमाज स्टार्ट हो गई। अब कहा अल्लाहु अकबर तो ये हाथ बुलंद होके कहां तक आए? कानों तक। कहा अल्लाहु अकबर यानी इसका मतलब क्या? परवरदिगार सारी दुनिया पीछे रह गई। कहते ना हमने हाथ उठा लिए हैं, परवरदिगार मैं दुनिया से हाथ उठा रहा हूं, दुनिया पीछे रह गई, मेरा सफर तेरी राह की तरफ जारी है। अब जब ऐसी नमाज होगी तो फिर नमाज में दुनिया का ख्याल नहीं आएगा बल्कि महबूब का ख्याल आएगा। अच्छा नमाज पढ़ी, इसकी नमाज क्या पढ़ रहे? सूरह अलहम पढ़ा, उसके बाद दूसरा सूरह पढ़ा। अब अल्लाह अकबर, परवरदिगार तू बहुत बड़ा है, अकबर है, तेरा गलत है कि तूने मुझ जैसे इंसान को अपनी बारगाह में हाजिर होने का मौका दे दिया। अब मेरा जी चाहता है कि मैं तेरी अजमत के सामने झुक जाऊं। और जब अजमत के लिए झुका, रुकू हुआ, जब रुकू कर चुका तो उसके बाद में कहा क्या समय अल्लाह लिमन हमीदा, कि जो मैं नमाज पढ़ रहा हूं ये ऐसा नहीं कि बस मैं पढ़ रहा हूं, जिस खुदा की मैंने हम की है वो सुन रहा है। अच्छा मुझको नागार की हम को खुदा सुन रहा है, तो चलो फिर सजदा हो जाए। सुभान रब्बिल्लाह सजदा हो गया, परवरदिगार तूने मेरे मुझ जैसे गुनाहगार इंसान को अपनी बारगाह में सजदा करने का मौका दिया, अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद गुनाह को याद किया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह, फिर अल्लाहु अकबर लेके दोबारा सजदे में चला गया। और उसके बाद अब जब नमाज कंप्लीट होने के लिए आई, महबूब ने पूछा नमाज किसके लिए पढ़ी? नमाज किसके लिए? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, मैं गवाही देता हूं कि वो खुदा जो है, अल्लाह जो है, वो एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। अच्छा तो तुम्हें नमाज सिखाई किसने? ये जो तुमने नमाज पढ़ी है ये नमाज सिखाई किसने? कब अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल है और उसके बंदे हैं। अच्छा तो ये बताओ कि मुहम्मद ने नमाज सिखाई लेकिन नमाज को बचाया किसने? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। तो इदाने मुस्लिम ये जो कैफियत है नमाज की, एक इंसान को नमाज का जब मौका, और इसीलिए जो नमाज की लज्जत होती है, जो टेस्ट होता है, जो उसमें कैफियत होती, जो कैफ है नमाज के अंदर, अगर इंसान को मालूम हो जाए तो फिर क्या होता है कि मौला अलैहिस्सलाम के पैर में तीर लग गया है, तकलीफ है, लोग तीर को निकालना चाहते हैं लेकिन इमाम दर्द की वजह से मना कर देते हैं। लोग रसूलुल्लाह के पास जाते हैं, या रसूलुल्लाह अली के पैर में तीर लग गया है, हम निकालने की कोशिश करते हैं, अली मना कर देते हैं, दर्द बहुत ज्यादा है। पैगंबर ने कहा परेशान होने की कोई बात नहीं है, जब नमाज का वक्त हो अली मुसल्ले पर खड़ा हो जाए, तीर को निकाल लेना। मौला मुसल्ले पर खड़े हुए, तीर निकाल लिया गया, अली की नमाज जारी रही, अली को पता भी ना चला कि तीर निकल कब गया। मौला को ये पता भी नहीं चला कि जब बाद में इमाम ने देखा तीर निकल गया है, इसका मतलब क्या है? वो लोग और होते हैं जो नमाज की हालत में पूरे पूरे शहरों का हिसाब किताब कर लेते हैं। अली की नमाज ये होती है कि पैर से तीर निकल भी जाए तो खबर भी नहीं होती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, नारे हैदरी। मैं कल वाली बात को आप हजरात से फिर दोहराना चाहता हूं कि ये अल्लाह सुभान व तआला की बहुत बड़ी हमारे ऊपर मेहरबानी है, उसका करम है कि ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र के सदके में हमें कुछ बातें करने का मौका मिल जाता है, कुछ सुनने का मौका मिल जाता है। आपको मालूम है फजाइल अहले बैत की शान ये है कि इंसान जब कानों से फजाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद को सुनता है
तो अल्लाह सुभान व तआला उसके उन गुनाहों को बख्श देता है जो कानों के जरिए से होते हैं। ये मजलिस हुसैन की अजमत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। रवायत में यह है कि इंसान फर्श अज़ा पर आके बैठता है, कुछ लोग कहते हैं ना, अरे वो फलां की मजलिस क्या होगा, कुछ ऐसा पढ़ेंगे नहीं जो हमें मिले। आपको कुछ मिले ना मिले, सवाब जरूर मिलेगा। मजलिस में आएंगे, पहले जमाने में देखे देखते थे नहीं आपके, वो लोग किताबें लेके बैठते थे मजलिस, वही मजलिस हर साल लोग सुनते थे, मगर कितने एहतराम के साथ रहकर आगे बैठते थे, कितने एहतराम से सुनते थे, क्योंकि ये तासीर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की है कि कभी पुराना नहीं होगा। तो अव्वल तो ये है कि अगर मजलिस हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमको कुछ ना मिले, लेकिन अगर आप मान भी लेंगे कुछ नहीं मिल रहा है तो सवाब तो मिल रहा है। कितना सवाब मिल रहा है? रवायत कहती कि इंसान जब फर्शे अज़ा पर बैठा होता है वो जितनी सांसें लेता है हर इसकी सांस तस्बीह काउंट की जाती है, तस्बीह शुमार जितनी देर बैठा जितनी सांसें ली हर एक तस्बीह शुमार होती है। और वो मरीज है जहां पर खुद मासूम आते हैं उनकी शान क्या। लिहाजा मेरी आप अल्लाह से गुजारिश है कि थोड़ा सा वक्त से अगर आप लोग आ जाए तो फिर मैं भी कुछ बातें जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ वो अर्ज कर सकूँ। अभी नमाज की अहमियत की बात चल रही है, बस जल्दी से दो बातें अर्ज करके आपकी सहमत तमाम करूँ कि नमाज लोग नमाज नमाज बहुत करते हैं लेकिन नमाज अहले बैत से दूर आपको नमाज नहीं मिलेगी, ऐसी नमाजें आपको नहीं मिलेंगी जो नमाज आले मोहम्मद ने बताई है। जंग के सिफीन तीर बरस रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, घमसान कर रन है और उसके बाद मौला अली अलैहि सलाम फरमाते हैं नमाज का वक्त हो गया, सफे आरास्ता करो। नमाज के लिए नहीं कर रहे हैं, नमाज जमात के लिए इमाम कर रहे हैं, सफे आरास्ता करो। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास उन्हें लोग कहते हैं इमाम और मुफस्सिरीन, वो कहते हैं मौला तीर बरस रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, जंग का आलम है, घमासान कर पड़ा हुआ है, मौला कैसे करके नमाज होगी। इमाम ने फरमाया कि हमारी जंग का मकसद क्या है, फिर हमारी जंग का मकसद क्या है, यानी हम दुश्मन को बताना चाहते हैं कि तीरों की बारिश भी हमें नमाज के वक्त से अलग नहीं कर सकती, हमारी जमात को नमाज जमात को मुंतशिर नहीं कर सकती। तो ये मंजिल क्या है? ये है सहाबी मौला अली अलैहि सलाम के, ये है सहाबी रसूलुल्लाह के जो कह रहे हैं कि इस आलम जंग में नमाज कैसे होगी। लेकिन एक आपको मिसाल और मिलेगी, करबला का मैदान है, जोहर का वक्त है, अबू सलमा ऐसे रावी आगे बढ़े, बढ़ने के बाद में कहा ऐ मौला हुसैन यज्ञा रसूलुल्लाह अव्वले वक्त नमाज जोहर, मौला जी चाहता है कि एक मर्तबा आपके पीछे नमाज और पढ़ ले। क्या करबला की जंग से सख्त कोई और जंग हो सकती है? जितने भी हैं सब प्यासे हैं, कितने लाशें गिरे पड़े हैं, कितने जख्मी हैं, लेकिन अबू सलामा इमाम हुसैन से कह रहे हैं मौला अब भले वक्त नमाज जोहर है, जी ये चाहता है कि आपके पीछे एक मर्तबा नमाज और पढ़ लें। यानी सिर्फ नमाज पढ़ने की बात नहीं बल्कि नमाज जमात की बात कर रहे हैं, आपके पीछे और नमाज। इमाम ने क्या फरमाया अबू सलामा, खुदा तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे, तुमने फर्जंद रसूल को नमाज का वक्त ये मैंने जो अर्ज किया कि जिसे मारिफत हुसैन होगी वो कभी नमाज से दूर नहीं हो सकता, वो अजमत नमाज का मुनकिर नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद कुछ और अर्ज करना चाह रहा था लेकिन वक्त के हिसाब से बात नहीं खत्म करता हूं। दो तीन जुमले के आप देखें कि जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाबे ज़ैनब से आखिरी वक्त में इरशाद क्या फरमाया, बहन ज़ैनब मुझे नाफिले शब में फरामोश मत करना,
मेरी बहन जैनब ने नमाज इशा पढ़ोगी ना, उसके नाफले की दुआ पे अपने भाई हुसैन को भूलना नहीं। इमाम को मालूम है कि जनाब जैनब की जो जिंदगी इसके बाद की जिंदगी है वो कितनी मुश्किल है, लेकिन हुसैन जानते हैं ये फातिमा की बेटी है, अली की लाडली, हालात कुछ भी हो वाजिब दूर की बात है, इसकी नमाज शब भी कभी नहीं चुके हैं जैनब, अपने भाई हुसैन को नाफले शब में फरामोश मत करना। यानी इमाम जनाब जैनब से सिर्फ कह नहीं रहे हैं बल्कि हमें बता रहे हैं कि देखो अहमियत है नमाज क्या। और अजीजो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी फूफी जैनब की राहे कूफा और शाम में भी कभी कोई नमाज शब भी कजा नहीं, नमाज को छूटी नहीं। हाँ ज्यादा लोग अब आगे आवाना हो गया, एक जुमला आप सुन लीजिए बस। करबला का मैदान है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से जमीन पर आ चुके हैं, जिसमें तीर लगे हुए हैं, खून जारी है, कोई जालिम आता है आने के बाद इमाम के नेजा मार के चला जाता है, मेरा इमाम तड़पने लगता है, कोई दूसरा जालिम आता है आके तलवार मारता है, इमाम तड़पने लगते हैं, इमाम तड़पते रहते, फिर कोई जालिम आता है, फिर आके इमाम के पहलू के ऊपर बार कर जाता है, फर्जंद जहरा तड़प रहा है, अजादारों ये सिलसिला मुसलसल जारी रहा। मैंने जुमे के खुतबे में अर्ज किया था आपके सामने कि कम से कम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में 3 घंटे का वक्त लगा। वो हुसैन जो घोड़े से जमीन पर आया तो उसके जिस्म में इतने तीर लगे हुए थे कि इमाम तीरों पर मुअल्लक हो, और उसके बाद अब जालिम को ही आके तलवार मार के चला जाता है।
Yeah.